तो सबसे पहले तो जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म होता है 7 मई 1861 को होता है, और जोड़ा सा को कोलकाता में हुआ था। प्रतिष्ठित टैगोर परिवार में इनका जन्म होता है। इन्हें भारत का आधुनिक प्रथम आधुनिक कलाकार इनको माना जाता है। भारत में आधुनिक कला के जन्मदाता भी इनको बोला जाता है। भारत में आधुनिक कला के जन्मदाता कलाकार इनको माना जाता है, और प्रथम आधुनिक चित्रकार जैसा कि हमने बताया। इस संज्ञा इनको जो मिली थी ये किसने दी थी, ये भी बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार की जो संज्ञा दी गई थी वो किसने दी थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार कौन है। तो हम लोग सही आंसर लगाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इन्हें प्रथम आधुनिक चित्रकार किसने कहा था। तब वहां पे हमने लोग लिखेंगे कि WG आर्चर ने इनको क्या कहा था, प्रथम आधुनिक चित्रकार बोला था। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा आता है कि ये एक कलाकार के अलावा क्या क्या थे। तो ये एक लेखक थे, नाटककार थे, कवि थे, साहित्यकार थे, उपन्यासकार के साथ ही साथ ये चित्रकार भी थे। प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबल प्राइज मिलता है। ठीक है, 1913 में इनको गीतांजलि के लिए नोबल प्राइज मिलता है, जिसके बाद ये काफी अधिक प्रसिद्ध हो जाते हैं। कोलकाता के वीर भूमि में जहाँ आज विश्व भारती विश्वविद्यालय है, वहीं पर सन 1901 में मधुपुर पॉइंट है, 1901 ईस्वी में एक छोटे से शिक्षण संस्थान शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने की थी, और सिर्फ 5 स्टूडेंट को लेके की थी, जिसमें इनके पुत्र भी थे। भारतीय कला एवं कलाकारों को विकसित करने के उद्देश्य से शांति निकेतन में ही कला भवन की स्थापना 1919 में करते हैं, भी महत्वपूर्ण है। 1901 में क्या करते हैं, शांति निकेतन की स्थापना, और शांति निकेतन में ही कलाकारों को विकसित करने के उद्देश्य से कला भवन की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, तो 1919 में करते हैं। आगे चलकर 1921 में यही क्या बन जाता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय बन जाता है। और 1915 में इन्होंने विचित्रक नाम क्लब की स्थापना भी की थी। कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में, यानी लगभग 68 या 70 के बीच में, 1929 के आसपास इन्होंने चित्रण करना आरंभ किया था। इन्होंने जीवन के अंतिम समय में चित्रण कार्य प्रारंभ किया था, ये भी कई बार क्वेश्चन बना है। तो इनका एग्जैक्ट क्लियर समय तो नहीं आता है, लेकिन 68 70 के बीच में। आप लोग ऑप्शन को देख के अनुमान लगाएंगे कि कौन सा सही हो सकता है। तो 68 70 के बीच इन्होंने क्या किया था, चित्रण कार्य करना प्रारंभ किया था। इनके चित्रों की प्रदर्शनी 1930 में पेरिस स्थित पिगाल गैलरी में आयोजित की गई थी। तो इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी विदेश में होती है, ये भी ध्यान रखेंगे, और चित्र गैलरी में होती है। दूसरा पॉइंट, इनके चित्रों की दूसरी प्रदर्शनी 1932 में कोलकाता 1932 में कोलकाता था। तीसरी प्रदर्शनी मुंबई में आयोजित होती है। मुंबई का टाइम काफी कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम इसको नहीं बता पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनके जो चित्र थे, माना जाता है कि इनको इनके चित्रों पर मनोविज्ञानी फ्रायड और मूक इनके विचारों का या इनके सिद्धांतों पे आधारित चित्रण होता था इनका। इनके विचार कैसे थे, यानी अचेतन मन का सिद्धांत,
इन लोगों का विचार कैसा था? अचेतन मन का विचार सिद्धांत इन्हें था और उसी से संबंधित क्या करते थे, ये चित्रण कार्य करते थे। तो रविंद्रनाथ जी के चित्रों पर किसका प्रभाव था? तो फ्रायड और मुंक के सिद्धांतों पर आधारित चित्र बनाते थे, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं, आनंद कुमार स्वामी ने इनकी एक बार इनकी आलोचना करते हुए इनके चित्रों को नॉट चाइल्ड बट चाइल्ड लाइक, बच्चों की कला कहके इनका आलोचना भी की थी। इसने आनंद कुमार स्वामी ने ये चित्रण करने के लिए अपनी उंगलियों पर कपड़ा बांध बांध कर और रंगों को में डुबाकर उसको सीधे आधार पे चित्र लगाते रंग लगाते थे। इसके अलावा फूलों को तोड़ के क्या करते थे, सीधे रंगों के रूप में यूज कर लेते थे, डायरेक्ट कलर के रूप में रंगों का यूज कर लेते थे, फूलों का यूज कर लेते थे। तो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी कलाकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनके चित्रों के मुख्य विषय की अगर बात करें तो इनके विषय क्या थे, भारतीय नारी। और शैली कैसी थी, इनकी शैली आधुनिक भारतीय शैली थी। ठीक है, अगर इनकी विषय बात किया जाए तो नारी विषय पर चित्र करते थे, और शैली की बात की जाए तो ये आधुनिक भारतीय शैली के कलाकार थे। ललित कला अकादमी ने इनके चित्रों का एक एल्बम तैयार किया बाद में, और टैगोर ने अपने जीवन में लगभग 2500 चित्र बनाए। इन्होंने भले अंतिम समय में चित्र बनाना शुरू किया लेकिन लगभग इन्होंने 2500 चित्र बनाए हैं। इनके अब चित्रों की बात कर लेते हैं, तो इनके प्रसिद्ध चित्र हैं मशीन मैन, चिड़िया, पक्षी, कूदता हुआ हिरण, पक्षी युगल, कागज पर नर्तकी, राजहंस, वन में लोमड़ी, थके हुए यात्री, प्राचीन कानाफूसी, सफ़ेद धागे, नारी, माँ बच्चा आदि इनके बहुत प्रसिद्ध चित्र हैं, और इनके कुछ चित्र हमने यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं। आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद, ये हमारा आज का टॉपिक था।